कार आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। मैं आपके साथ सपना जोशी और मैं हूँ आपके साथ जफर अशरफी। न्यूज लीडर्स के खास कार्यक्रम लीडर्स की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेनवा में लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले को लेकर एसडीएम ने साफ तौर से इनकार किया। लॉकडाउन से हो रही आम जनता को परेशानियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया, इसलिए आज सेनवा में लॉकडाउन का आखिरी दिन है। जी बिल्कुल सपना, आप सही कह रही हैं। लॉकडाउन का आज सेनवा में आखिरी दिन है, लेकिन कोरोना का नहीं। कोरोना फिर भी अपनी तेज रफ्तार से चल रहा है, लगातार कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है। आज फिर सुबह बड़वानी जिले में 5 कोरोना पॉजिटिव केस निकले हैं। वहीं प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी, जिसमें निमाड़ क्षेत्र भी शामिल है। आज बड़वानी जिले में इसका असर देखने को मिला। जी बिल्कुल सपना, आप सही कह रही हैं। बड़वानी जिले में बारिश का असर देखने को मिला, जिसमें सबसे अधिक वर्षा पानसेमल में हुई। पानसेमल में सबसे ज्यादा बड़वानी जिले में वर्षा हुई। वहीं प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की अफवाह पर खुद सीएम शिवराज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है और इस बात को अफवाह कहकर बिल्कुल खंडन किया है और कहा कि प्रदेश में ऐसा कोई लॉकडाउन लगाने की बात नहीं है। वहीं मंत्री प्रेम सिंह पटेल के मंत्री बनने के बाद पहला निर्णय, अब एसिड अटैक पीड़ितों को पेंशन के साथ साथ 5,000 रुपए की मदद प्रति माह दी जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में धार्मिक उत्सवों पर निकलने वाली झांकियों पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। वहीं शादी विवाह और शव यात्रा पर निकलने वाली भीड़ पर सरकार ने एक आदेश भी जारी किया है। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ लीडर्स के साथ।